हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं ना, इन्होंने अपनी चार नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में, ये ऐसा है वो ऐसा, ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पर भरोसा नहीं करना है, सिखों पर भरोसा नहीं करना है। साहब, आज एक वाकया हुआ है पिशावर में, जिसमें ईसाइयों, एक ईसाई को और एक सिख को मार दिया गया, और 24 घंटे में ये दो वाकयात हो गए हैं। मिठू मियां करके एक बंदा है वहां पे, एक रिलीजियस प्रीचर है, मिठू मियां मौलवी टाइप का। मिठू मियां ने हजारों हिंदू लड़कियां इसने कन्वर्ट करवाई हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। कोई बोलेगा कि मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडा क्या है। मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मिठू मियां के पास जाओ, मिठू मियां को 10 लाख रुपए दे दो। मिठू मियां बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी, या कुरान शरीफ फाड़ी थी। वो झूठ बोल देगा। वहां पे तो पिराना टाइप के हैं पाकिस्तानी, लाइक पिरानस, वो आ जाते हैं, उनको खून सूंघ लेते हैं। फिर जहां पे मजहब की बात ली उसके बाद पाकिस्तानी का दिमाग वैसे भी नहीं चलता, और फिर नहीं चलता, फिर बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल क्रैक। वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको मारा कूटा, उसकी बेटी उठा के ले गए, उसकी बहू उठा के ले गए, ये सब। और वहां पे फिर ये प्लॉट उस बंदे को दे दिया जाता है। मिठू मियां ने अपना पैसा कमाया, उस बंदे को 10 लाख रुपए में लाखों रुपए का प्लॉट मिल गया, मिठू मियां की कमीशन, ये बिजनेस करता है। दूसरी चीज, आप कोई बोलोगे सर मुझे वो हिंदू लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, या मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही गलत वो करना है उसके साथ, अपना संबंध बनाना है, कोई बात नहीं, आप मिठू मियां को पैसे दो, मिठू मियां जाएगा उस लड़की को किडनैप करवाएगा, उस आदमी के हवाले करेगा, उसका निकाह पढ़ देगा, निकाह पढ़ देगा, ठीक है। 11, 12, 13 साल की लड़की, उसके साथ निकाह पढ़ दिया, उसके साथ वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह उसको रहना मजबूरी है, क्योंकि फिर समाज इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की ये बोल दे 12 साल की लड़की कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जहां पर 96% मुस्लिम है, वहां पर सबसे पहले इस्लाम खतरे में पड़ता है, इस्लाम खतरे में पड़ गया, क्या करे वो। उस बेचारी लड़की के माँ बाप अपनी छाती पीटते रहते हैं कि हमारी बिटिया को कौन ले गया, क्या कर लिया। और मिठू मियां ने ये काम करवा दिया, वो आदमी ने जो करना था करा, 1-2 महीने के बाद तलाक तलाक तलाक, लात मार के बाहर निकालो। अब ना उसकी फैमिली और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, कहेंगे ऐसे हजारों की तादाद में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोर देन थाउजेंड ऑफ सच गर्ल्स आर एवरी ईयर इन पाकिस्तान इन सिंध, राइट। इनको इस्लामिक लॉ के तहत, जो कि एक्चुअल इस्लामिक लॉ हो ना हो मुझे इस्लामिक लॉ की आइडिया नहीं है, लेकिन मिठू मियां यह कहता है कि इस्लामिक लॉ के कवर में, इस्लामिक लॉ के कवर में ऐसी मैरिजेस और ऐसे रेप्स करवाता है मिठू मियां। 12 लोगों की जानें चली गई पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या कंडीशन है इससे हम सभी परिचित हैं। दोस्तों हाल ही में आज की खबर है कि पाकिस्तान में 2 सिखों और क्रिश्चनों को मार दिया गया तथा 1-2 हमले और हुए, जिस पर पाक मीडिया स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों करते हैं, तथा पाक मीडिया का कहना है कि जिस स्टेट में ये सब हो रहा होता है, जिस स्टेट में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा होता है, वहाँ स्टेट को लोग खुद शामिल होते हैं। वहीं पाकिस्तान पर नज़र रखने वाले जाने माने फेमस पॉलिटिकल कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या सर ने बताया कि किस तरह से मियां मिठू जैसे लोग पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियां 12, 12, 13, 13 साल की बच्चियों की शादी मुस्लिम बुड्ढों से करवा देते हैं। दोस्तों आपका क्या राय है इस सब मामलों के लेकर, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल्स को लेकर कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों। और सुनने में आ रहा है कि पिशावर से बहुत सारे जो सिख हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी कर गए हैं और शहरों में चले गए इस वजह से, तो ये किस तरह की जो रियासत है वो बनती जा रही है, ये वजूद में आती जा रही है? माइनॉरिटी, एक तो हमने कहा जाता है कि लफ्ज़ माइनॉरिटी कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारे पाकिस्तान नहीं है, ये लफ्ज़ माइनॉरिटी, कोई इसके 25% माइनॉरिटीज थी एंड ऑल दैट गलत है, उसको इंडिया टुडे और बाकियों ने भी उसको रिफ्यूट किया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे और उसमें तकरीबन उन्होंने कहा कि 23 के 25% माइनॉरिटीज थी एंड ऑल दैट। बस अब ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो खामोश रहती है? क्या हमारे लोग माइनॉरिटीज को कन्वर्ट करके या कत्ल करके ये समझते हैं कि इनके कोई वाली वारिस नहीं है, रियासत कमज़ोर है, और मुआशरे के अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि कन्वर्ट करना तो कोई इशू ही नहीं है, और कत्ल भी कर देंगे तो उनकी पैरवी कौन करेगा? और सुनने में आ रहा है कि पिशावर से बहुत सारे जो सिख हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी कर गए हैं और शहरों में चले गए इस वजह से, तो ये किस तरह की जो रियासत है वो बनती जा रही है, ये वजूद में आती जा रही है? माइनॉरिटी, एक तो हमने कहा जाता है कि लफ्ज़ माइनॉरिटी कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारे पाकिस्तान नहीं है, ये लफ्ज़ माइनॉरिटी इटसेल्फ इज किसी को आइसोलेट कर देना या किसी एक ग्रुप में डाल देना, तो आप इसको सर कैसे देखते हैं? क्या इसमें रियासत की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस और खामोशी है उसको आप कहाँ पर देखते हैं, और मुआशरा जो है उसने ये जो ट्रेंड शुरू किया हुआ कि जब मर्जी किसी माइनॉरिटी के बंदे को गोली मार दो और उसका केस भी किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर इतना नहीं पहुँचता? जी सर।
देखें जी, इसमें बात यह है कि रियासत जो है वो डेफिनेटली इसकी जिम्मेदार है, और है सोसाइटी तो चूंकि बहरहाल जिम्मेदार होती ही होती है, चूंकि रियासत की उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है वो सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और उनके जज्बात और ख्याल इन चीज़ों को सामने रख के, खुद आज के दौर में कि जब सियासतदान उस तरह की फॉलोइंग नहीं रखते या उस तरह की डीप रूटेड किस्म की उनकी जो है वो नहीं होती फॉलोइंग, तो वो जाहिर है पब्लिक ओपिनियन इन चीज़ों को सामने रखते हैं, तो इसलिए आप इनको दो अलग अलग करके नहीं देख सकते। मैं समझता हूँ कि जिसको कहते हैं ना एक नेक्सस है। देखो लगातार लगातार खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ इन्होंने मुहिम, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी करते, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां यंग गर्ल्स 12 13 14 15 16 साल की, ये जो लड़कियां हैं ठीक है, सिंध में इनको उठा लिया जाता है, और ये काम ज्यादातर ऐसा नहीं कि पंजाब में नहीं होता, ये सिंध में ज्यादा होता है, ये लड़कियों को उठा लिया, उनसे किसी बुजुर्ग मुसलमान से शादी उनकी करवा दी, और फिर बोला कि उस लड़की को प्यार हो गया था, और उसको उस बुढ़े से तो प्यार हुआ ही हुआ था, उसको इस्लाम से भी प्यार हो गया तो वो मुसलमान बन गई। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूं कि कभी उल्टा कोई हिंदू लड़के को पाकिस्तान में इस्लाम से प्यार क्यों नहीं हुआ, और जिसने कोई मुसलमान लड़की से शादी कर लियो पाकिस्तान में, अगर कोई ऐसे दो तीन केसेस हैं तो हमारे सामने लाइए, फिर हमें भी अच्छा लगे। इनकी ये मैं बता रहा हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, ये रिलीजन के पीछे छुप के पाकिस्तानी ये सब गंदे काम करते हैं, इसीलिए इनके मुल्क ना इतने मुल्क को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज वाई द कंट्री सफरिंग, बिकॉज दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स।